नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आप देख रहे हैं हेल्दी सब्सक्राइबर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जोंडीला सिरप के बारे में। ये मेडिसिन फार्मा कंपनी बनाती है, होम्योपैथी दवाई है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कहां काम आती है, किन रोगों और किन लक्षणों में पेशेंट्स को दी जाती है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। ये सिर्फ डाइजेशन के लिए दिया जाता है, इसके अलावा लीवर टॉनिक के तौर पर यह काम करता है। डाइजेशन में अगर देखा जाए तो पेशेंट को खाना सही से न पचता हो, इनडाइजेशन की शिकायत हो, एसिडिटी होती हो, गैस बनती हो, ब्लोटिंग होती हो, या फिर पेशेंट को भूख न लगती हो, लॉस ऑफ एपेटाइट में बहुत असरदार रहता है। जिन लोगों की भूख कम रहती है उनकी भूख बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि ये डाइजेशन को तो ठीक करता ही है, साथ में लीवर डिजीज़ या फैटी लीवर में भी असरदार रहता है, जिस वजह से पेशेंट्स की भूख कम हो जाती है। अब इसके कॉम्पोजिशन की बात कर लेते हैं, कौन सी होम्योपैथी दवाइयाँ डाली गई हैं, क्या काम वो करती हैं। इसमें दवाई डाली गई है कार्डस मारिनस, बहुत इफ़ेक्टिव दवाई रहती है, लीवर टॉनिक के तौर पर काम करती है। जिन लोगों की भूख कम होती है, फैटी लीवर की शिकायत रहती है, डाइजेशन की शिकायत रहती है, उनमें बहुत असरदार रहती है। कार्डस मारिनस कोलिक में भी दी जाती है, जॉन्डिस में भी दी जाती है, यानी पेट दर्द में असरदार रहती है, पीलिया में असरदार रहती है। जिन लोगों को लीवर से संबंधित बीमारियाँ हो जाती हैं उनमें बहुत इफ़ेक्टिव रहती है, फैटी लीवर में भी ये दी जाती है। इसके अलावा इसमें कारिका पपाया डाली गई है, जो कि पपीते से बनी दवाई होती है। पपीते के गुण सारे इसमें होते हैं। पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग के सिम्टम्स हो, गैस एसिडिटी बनती हो, इनडाइजेशन की शिकायत हो, सभी में असरदार रहती है, यानी पेशेंट के डाइजेशन को ठीक करती है और भूख न लगने की शिकायत को भी दूर करती है। दवाई इसमें चेलिडोनियम डाली गई है, ये दवाई भी डाइजेशन को ठीक करने में मददगार रहती है, लीवर की सभी बीमारियों में दी जाती है, सिरोसिस तक को ये दवाई ठीक करती है। इसके अलावा ये दवाई पेशेंट को तब दी जाती है जब पेशेंट की भूख बहुत कम हो गई हो। भूख कम होने पर ये दवाई देने से पेशेंट की भूख बढ़ती है। ऐसी ही कुछ और दवाइयाँ इसमें डाली गई हैं जो इन सब दिक्कतों में असरदार रहती हैं, इफ़ेक्टिव रहती हैं। होम्योपैथी दवाइयों का इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ये दवाई केवल डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों हो सकता है आपको कुछ और दवाइयों की भी कई बार ज़रूरत पड़ जाती है। क्रोनिक केस में सिर्फ इनफ नहीं रहता है, एक्यूट केस में आप सिर्फ को दे सकते हैं, साथ में कुछ दवाइयाँ देना जरूरी कई बार कुछ बीमारियों में हो जाता है, इसलिए डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें, डॉक्टर की निगरानी में ही ये दवाइयाँ खाएँ। इसके डोजेस की बात करें तो डॉक्टर से एक बार ज़रूर मिल लें। ये दवाई लेने से पहले जो इसकी कॉमन डोज होती है 5 से 10 ml दिन में 2 से 3 बार दिया जाता है, बच्चों को हाफ डोज ही दी जाती है। खाना खाने से पहले ये दवाई ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएँ कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।